तस्वीरें इस समय मैं आपको शकुंतला के पास बिल्कुल जो सब्जी मंडी है वहाँ की दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर एक सड़क दुर्घटना जो है वो हुई है, जिसमें एक गाड़ी जो है उसे काफ़ी क्षति जो है वो पहुँची है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फिलहाल ट्रैफिक विभाग की बात करें तो उनके द्वारा जो गाड़ी है उसे बुलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से इसे हटाया जाएगा। आप बीचों बीच सड़क पर जो है वो किस तरीके से ये हादसा हुआ है आप देख सकते हैं। पूरी तरह से ये गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त जो है वो हो चुकी है। फिलहाल टो करने के लिए अब ट्रैफिक विभाग की गाड़ी जो है यहाँ पहुँची है। इस गाड़ी को यहाँ से हटाया जाएगा। जो यहाँ पर चश्मदीद थे उनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिरकार ये हादसा जो है वो किस तरीके से हुआ। फिलहाल पुलिस के लोग यहाँ पर हैं और कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे और किस गाड़ी के साथ इसका जो है वो हादसा हुआ है वो भी जानने का प्रयास जो है वो इनसे करेंगे हम। लेकिन फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार जो है सड़क हादसे जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसके बाद एक और सड़क हादसा जो है वो जम्मू के शकुंतला को मैं दिखा रहा हूँ। लाइव विजुअल्स जो है आपको दिखा रहे हैं और क्रेन जो है उसे यहाँ पर बुलाया गया है और उसके द्वारा अब यहाँ से जो है इस गाड़ी को जो है टो करके यहाँ से ले जाया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको वाहू एक्सप्रेस के माध्यम से मैं शकुंतला के पास है जो सब्जी मंडी है वहाँ के दिखा रहा हूँ। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर ये मारुति 800 जो है इसकी बुरी तरह से जो है इसकी हालत जो है वो हुई है इस सड़क हादसे में। और दूसरी तरफ के विजुअल्स भी आपको दिखाऊँगा। आप देखिए किस तरीके से इसके पहिए जो हैं और दूसरा हिस्सा जो है पूरी तरह से तहस नहस जो है वो हो चुका है। फिलहाल इसे टो किया जाएगा और टो करके इस गाड़ी को जहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन बीचों बीच सड़क के जो हादसा हुआ है और एक से दो गाड़ियों की चपेट में बताया जा रहा है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये एक ही गाड़ी थी, दो गाड़ियाँ थी यहाँ पे? तीन गाड़ियाँ थी। ये जो दूसरी गाड़ियाँ थी उनको लगी खाली इसी गाड़ी को जा चुकी? दो को लगी। जो बीच में सवार थे वो ठीक है? नहीं, सवार बिल्कुल ठीक है, किसी को लगी नहीं है जी, बचाव गया। बाकी ये अभी जो 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 यहाँ जिनकी गाड़ी थी वो थाने में चले गए, उसको थाने ले गए। तो किस गाड़ी के साथ टक्कर हुई है इनकी? ये गाड़ी थी, एक गवर्नमेंट की गाड़ी थी। अच्छा। एक कार थी। ओके। एक बाइक तो था, बाइक को किसी से टक्कर मार कर आया। अच्छा। तो जहाँ दो गाड़ी में टक्कर हुई, मतलब यही गाड़ी टक्कर लगाई सबको? इसने गाड़ी सबकी टक्कर लगाई, तीन गाड़ियाँ जो है इसमें। हाँ, फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं आप। और यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है, उनसे उन्होंने साफ तौर पर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो, और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करूँगा। आप उस समय यहाँ थे जब ये हादसा हुआ? जी भैया, जहाँ पे थे हम। ये गाड़ी बताया जा रहा है पीछे से ही दो तीन गाड़ियों को हिट करने के बाद बाइक सवार जो है उसको भी हिट किया है, यहाँ पहुँची है। वाकई में ऐसा है? जी मैम, जहाँ पे बलैरो खड़ी थी बलैरो को हिट किया, वहाँ पे टेम्पो था। अच्छा। जो उसके बीच में फंस गए थे और करने के बाद जब भाग गया। फिर जो पीछे गाड़ी खड़ी थी पब्लिक ने जाके उसको हॉस्टल से पकड़ा और उसको लाया, फिर उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। सरदार जी हैं और वो कह रहे मेरी ब्रेक फेल है, मगर बट ऐसा नहीं है, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। ड्रिंक करके जी, और ओवर स्पीड चला रहा था वो। कितनी उम्र लगभग हो गई सरदार साहब? वो 50 से 60 के बीच में। 50 के 60 के बीच में? जी जी। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिखाना चाहूंगा। और गाड़ी की दुर्दशा जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्थानीय जो इस समय मौजूद है चश्मदीद और उनसे बातचीत जो है वो की है। और साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हादसा जो है वो इस वजह से हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं शख्स जो है वो पीछे से आ रहे हैं। और यही यहाँ के जो चश्मदीद हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं ड्रिंक जो थी वो करके, हालांकि पुष्टि इसकी हम नहीं करते, पुलिस ने अरेस्ट जो है उनको जो है वो कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन पीछे से ही ये गाड़ी जो थी वो आई थी और उसके बाद ये हादसा जो था ये घटित हुआ, क्योंकि पीछे से कहा जा रहा है कि वो खुद कह रहे थे कि हमारी ब्रेक फेल जो थे वो हो चुकी थी, उसके बाद ये हादसा जो हुआ। लेकिन फिलहाल गाड़ी के प्रकच्चे जो हैं वो उड़ चुके हैं, दो से तीन गाड़ियां जो हैं उनके साथ ये हादसा हुआ है। और बाइक सवार पहले उसको हिट करती है, दो से तीन गाड़ियां जो हैं उन्हें हिट करती है, और जो लोग भी उन गाड़ियों में सवार थे फिलहाल उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। यही खुशकिस्मती रही उन लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से जितने फास्ट रफ्तार से ये गाड़ी यहाँ पहुँची और यहाँ पर आकर इस गाड़ी के पूरे प्रकच्चे जो हैं वो उड़ गए हैं। और अब देख सकते हैं यहाँ से गाड़ी जो है उसे हटा लिया गया है। फिलहाल लोगों से बातचीत जो है वो की गई है और
मैं आप लोगों से भी यही अपील करूंगा कि आप लोग भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें और गाड़ी को उतनी स्पीड में ही चलाएं जिस स्पीड में आप उसको नियंत्रण रख सकें, और ड्रिंक करके गाड़ी को बिल्कुल भी ना चलाएं। आपकी ज़िंदगी जो है आपके परिवार को बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यूएबल है, उसका खास तौर पर आप ध्यान रखिए। मैं तो आपसे लोगों से यही कहूँगा, वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि एक अवेयरनेस मैसेज बाकी लोगों तक पहुँच जाए कि वो भी इस तरीके से गाड़ी जो है ओवर स्पीड में जो है वो ना चलाएं ताकि ये हादसा जो है वो ना हो सके। बाकी तुम्हारे बाहू एक्सप्रेस पर इस के साथ शुभ मिलेंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।